ज़्यादा होता है, उसके कहने से वो तो कहते 500 बार भी हो जाए तो 500% हो जाएगा, हमारे कहने से तो 300 बार भी नहीं होगा। कोई तो रीज़न बताओ, यहाँ युवा का पेपर लीक कर दिया जाता है, महिला को सम्मान नहीं मिलता है, आखिर किस कारण हम मोदी जी को वोट देते हैं? एक शराब घोटाला, जल घोटाला, हाईवे घोटाला, किसने किया है? फिर कोर्ट ने उन्हें जेल क्यों भेज दिया और कुछ नहीं किया? अभी तक प्रूफ तो नहीं आया। फिर जेल क्यों भेज दिया? तो ईडी की वजह से ना, आप बताइए ना, प्रूफ तो अभी नहीं आया ना, ईडी भी प्रूफ नहीं दे पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूँ आपके साथ मेघा भाटिया। मैं रोज ही आपको नए लोकेशन से जनता की राय सुनवाती हूँ कि जनता इस बार किसकी सरकार चाहती है, किसको सत्ता में लेके आना चाहती है। और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक लोकेशन पे, जहाँ पर मैं जनता से पूछूंगी कि इस बार वो किसकी सरकार लाना चाहती है, उनकी क्या राय है, और भी सारी मुद्दों पे बातें करूंगी कि आज आने वाले 2024 में किन किन मुद्दों पे वो वोट करेंगी, 2024 में वो क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं सरकार के अंदर। देखिए, क्योंकि वोट देते हैं जनता और जनता ही फैसला करती है किसकी सरकार आएगी। अब पिछले सालों में क्या काम हुआ क्या नहीं, उसी के बेसिस पे जनता इस बार ही वोट देगी और उसके बाद सरकार डिसाइड होगी 4 जून को कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं। लेकिन अब मैं सीधा जनता से ही जानूंगी कि उनकी क्या राय है। चले आए सीधा ही पूछते जनता से सवाल कि किसकी सरकार इस बार? मोदी के साथ, मोदी जी। किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? मैं देश को आगे पहुंचाया। क्या क्या पहुंचाया आगे, क्या क्या मुद्दों पे काम किया है? राम मंदिर बनवा दिया। सिर्फ एक राम मंदिर के बेस पे आप वोट के दे रहे हैं? और फ्री में वो मुफ्त में अनाज मिल रहा है। मुफ्त में तो दिल्ली सरकार भी बहुत सारी चीजें दे रही है, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हम तो बीजेपी को करेंगे। आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए इस बारी सरकार? आनी चाहिए बीजेपी। अगर बीजेपी ही नहीं तो दूसरा चेहरा कौन? दूसरा चेहरा फिर केजरीवाल। केजरीवाल? केजरीवाल तो जेल में है। आ जाएंगे वो छूट के? आपके हिसाब से वो आ जाएंगे छूट के? कैसे आ जाएंगे? आ जाएंगे, हमें तो मोदी चाहिए वैसे। किसकी सरकार चाह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में तो एक ही है, केजरीवाल। वैसे ओनली केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है, जुमलेबाजी नहीं करता ना। अच्छा, हाँ। अभी तो जेल के अंदर है, काम करते जुमलेबाजी नहीं। जेल के अंदर है, घोटाले में, उसमें तो क्या हो गया? जेल में हो तो क्या हो गया, सपोर्ट है दिल्ली की, फुल पब्लिक की फुल सपोर्ट है, गरीब आदमी की फुल सपोर्ट है। बनिए नहीं करेंगे पर गरीब करेगा, गरीबों के लिए करते हैं वो। क्या करते हैं वो गरीबों के? बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए किया है, सभी के लिए करते हैं। जनता के हिसाब से करप्शन है, उन्होंने करा हुआ है भ्रष्टाचार के केस में जो वो अंदर है, जनता के हिसाब से वो इलेक्शन तक बाहर नहीं आ सकते? मैडम, दूसरी पार्टी ने कुछ किया नहीं है इसलिए उनको अंदर कर दिया, जो करता उसको अंदर कर रहे। आपके हिसाब से क्या बीजेपी क्लीन चिट है, उनके उसमें कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो करप्टेड हो? वॉशिंग मशीन है, जो जाएगा धुल जाएगा बस। एक राजनीतिक स्टंट था उनको जेल में डालना, गलत है वो। और कर भी दिया उन्होंने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है खुद के, 7 की 7 सीटें हैं झाड़ू की। चलिए देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए। हाँ जी सर, इस बारी किसकी सरकार? मोदी जी की। मोदी की सरकार क्यों चाहते हैं आप? सब काम बढ़िया करे मोदी जी ने। अच्छा, क्या क्या काम कर रहे हैं? गुंडागर्दी खत्म कर दी, रास्ते फ्री मिल रहा है, और काफी काम अच्छे करे, सड़कें बनवा दी, वाहन बनवा दिए। दिल्ली में भी तो बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे? फिर भी अपने मोदी को अच्छा लगता है, अपने को बीजेपी सरकार आनी चाहिए, हम संतुष्ट हैं बीजेपी से, और मोदी को ही अपना दोबारा जिताएंगे इतना। चलिए और भी लोगों से जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या क्या मुद्दों पे वो बात करेंगे, किसको वोट देंगे किसको नहीं। आप लगातार देखते हैं, देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। हाँ जी सर, किसकी सरकार इस बार? हम तो आपको देंगे जी। आपको क्यों वोट देंगे, क्यों चाहते हैं केजरीवाल? केजरीवाल को इसलिए चाहते हैं कि केजरीवाल जैसा शरीफ आदमी हमने अब तक जिंदगी में देखा नहीं, हमने जितना ईमानदार और कट्टर आदमी है उसको बेईमान बना रखा है बीजेपी वालों ने। शरीफ इंसान लेकिन जेल के अंदर, जेल की शराब के पीछे जबरदस्ती कर रखा है उसे, वो तो उन्होंने चाले चल रखी है बीजेपी वालों ने, अपने ही तानाशाही करने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए वो डर रहे हैं केजरीवाल से। मोदी जी ने कहा इस बार 400 पार, उसके कहने से क्या होता है? उसके कहने से वो तो कहते 500 बार भी हो जाए तो 500% हो जाएगा, हमारे कहने से तो 300 बार भी नहीं होगा, उसके कहने से कुछ नहीं होगा।
अगर उसको 400 पार हो रहा है तो फिर डर क्यों रहा है केजरीवाल से, क्यों विपक्षों से डर रहा है फिर वो, उसको डरना नहीं चाहिए फिर इसको? आपके हिसाब से वो विपक्ष पार्टी से डर गया, उनके सामने जो एक मजबूत पार्टी थी वो केजरीवाल थी आपकी सरकार? ऐसा जरूरी नहीं, केजरीवाल है दूसरे में भी है, जैसे सरेन है जो झारखंड के हैं वो भी हैं और कर्नाटक में हैं और दूसरे भी प्रदेशों में हैं, उनसे ये क्यों डर रहे हैं? विपक्ष को क्यों जेल में डाल रहे हैं वो, अपने उनके नेताओं को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? अगर ये ज़्यादा भ्रष्टाचारों को देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारों को अंदर करना है तो पहले अपने गिरिबान में झाँके, अपने गिरिबान में झाँके पहले, पहले आदमी को अपना घर देखना चाहिए फिर दूसरों का घर देखना चाहिए। आपसे जो है संजय सिंह को भी जमानत पर वापस आए, बड़े जोरों शोरों से उनका स्वागत किया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, उस पर आपकी क्या राय? स्वागत इसलिए करा क्योंकि वो एक कट्टर ईमानदार आदमी है और स्वागत करने का वो हकदार भी है, उसको पता है कि हम आदमी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छूटेंगे, जरूर छूटेंगे क्योंकि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या लगता है इलेक्शन से पहले केजरीवाल बाहर आ पाएंगे जेल से या नहीं? 100% आएंगे, 101% आएंगे, आपको 15 तारीख के बाद ही हम दिखा देंगे कि 15 तारीख के बाद ही याद आ जाएंगे। देखिए पहला चरण तो 19 अप्रैल को ही है, हमारा तो दिल्ली में 25 तारीख को है ना, 25 मई को है। केजरीवाल को यहाँ पे भी फिलहाल दिल्ली को फोकस करना है और पंजाब को फोकस करना है, पंजाब में 1 जून को है। दिल्ली और पंजाब 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा क्या देखते हैं आप केजरीवाल जी का? नहीं चेहरा तो दिल्ली में तो अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो, अभी तो नहीं बनेंगे, बाकी ये दिल्ली की 7 सीटें आएंगी हमारे पास, आपके पास आएंगी ये। हाँ जी सर, चाचा किसकी सरकार है, किसकी सरकार इस बार? इस साल सरकार तो ये है केजरीवाल की रहेगी। क्यों केजरीवाल? इसलिए कि उन्होंने यहाँ बहुत कुछ कराया है। क्या किया है यहाँ की जनता के लिए? शौचालय बना रखे हैं यहाँ, और यहाँ लोग रहते भी हैं, बत्ती पानी फ्री है, फ्री के बेसिस पे आप उनको वोट देंगे और कोई काम नहीं देखेंगे कि और भी विपक्ष पार्टियों ने भी काम किए, बीजेपी ने भी बहुत सारे काम किए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या, हमारे यहाँ तो योगी है। हाँ जी मैम, किसकी सरकार इस बार? मोदी जी की। क्यों? बहुत सच्चाई है इसमें। अच्छा। और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होने से जो वो सोचते हैं उनके स्पीच में आता है, और मेरा ख्याल उन्होंने बहुत काम किए हैं। अच्छा। क्या क्या काम किया आपके हिसाब से? का है 370 हटाने का है जो कोई भी नेता नहीं कर पाए थे, और मुझे लगता है उन जैसा नेता कोई भी नहीं है, वो एक भगवान का रूप में आए हैं। अच्छा, आपके लिए मोदी जी भगवान का रूप? बिल्कुल। और आप विपक्ष पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में आप दिल्ली की नागरिक हैं? दिल्ली की नागरिक। दिल्ली की जो सरकार है इस टाइम केजरीवाल, वो जेल की सराखों के पीछे है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो उनके अपने कर्म है, क्योंकि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं वो भुगतनी तो पड़ती हैं। जनता तो कह रही है कि बीजेपी वालों ने उनको फंसाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी सोच गलत है। तो आपके हिसाब से क्या इलेक्शन से पहले बाहर आ पाएंगे केजरीवाल? मुझे तो नहीं लगता, नहीं लगता, क्योंकि उनकी गलतियां बहुत हैं। हमें नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, जो गलती है एक बार खुल जाती है वो आगे जलती ही जाती है। आपके हिसाब से बीजेपी में कोई भी ऐसा करप्टेड नहीं है? नहीं होंगे, पर मोदी जी नहीं है। अच्छा। और मोदी क्योंकि हेड हैं, और आई थिंक कि उनके वो सुपीरियर होने से पार्टी ठीक रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि फैमिली में सब बिल्कुल सच्चे हैं, पर मोदी जी आने से देश का बहुत आगे बढ़ा है, विकास हुआ है, और देश में नियम भी बने हैं। ठीक है, इनके हिसाब से मोदी जी ही आने चाहिए। देखिए और भी हम लगातार किस्सा कुर्सी का आप देख रहे हैं, लगातार लोगों से प्रश्न पूछते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार किसकी सरकार? इस बार मैं सोच रहा हूँ, देखिए जो प्रगत है, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसकी सरकार बननी चाहिए। आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी जैसे है हमारे, कोई भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, अगर मोदी जी उस विकास को हमको सब है को कर रहा है, अगर लग रहा है, अगर देख रहे हैं किसानों के पास पैसा पहुँचा रहे हैं, गरीबों के घर में घर बनवा रहे हैं, और कई तरह के विकास के लिए पैसे अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो फिर उनको देखना चाहिए। हमारा धर्म में मजबूती हो रहा है, सभी धर्म के, ऐसा नहीं कोई एक धर्म का, सभी धर्म मजबूत हो रहे हैं, हमारे मंदिर मजबूत हो रहा है, हमारा भारत देश मजबूत हो रहा है। जब भारत देश जो मजबूत हो रहा है तो उसको अजमाइए, कितने दिन अजमाना है, अब कितने साल के हैं, उनको आजीवन प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर अब हम लोग चमन करेंगे। और वैसे किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में, किसकी राज होना? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या स्थिति है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली के लोग हमारे धनवान लोग हैं,
दिल्ली के लोग पहली बात तो धनवान लोग हैं, ज्ञानवान हैं, हमारे भारत देश की राजधानी है। अब भारत देश की राजधानी एक स्वतंत्र राज्य तो है नहीं, आधा आधा जो बजट कार्य है केंद्र के शासन में है और आधा जो है तो हमारे राज्य शासन में है, दोनों एक नहीं केंद्र शासित तो है नहीं। अब यहाँ जो जैसे कार्य कर रहे हैं, देखिए यहाँ अभी वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल जी हैं, अब विधायक जितने हुए सब आम आदमी पार्टी के हुए, मगर सांसद हमारे हुए हैं, 7 सांसद जो हुए थे हमारे दिल्ली से, वही जनता दिल्ली की वही जनता 70 विधायक चुनती है, वही जनता हमारे 7 सांसद चुनती है बीजेपी की, तो बताइए जनता न्याय करती है कि नहीं करती है? वो मोदी जी को मानती है तब तो दे रही, 7 सीट हमारी जो थी इस बार की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, मगर विधायक 70 जो विधायक थे तो आम आदमी पार्टी, जो हमारी सरकार बनाए तो आम आदमी पार्टी को बनाए, मगर वही जनता देखिए लोकसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया, मगर विधानसभा में उनको किया अपनी अपनी रुचि अपनी अपनी सोच। चलिए ठीक है, आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? सेम अभी बीजेपी की है, आगे भी बीजेपी की आएगी। अभी क्यों क्यों आएगी? क्योंकि ठीक चल रही है, सही चल रही है सरकार, सही चल। सिर्फ ठीक और सही चलने से नहीं होता ना, आपके हिसाब से किन किन मुद्दों पे काम किया बीजेपी ने? हाँ, किन किन मुद्दों पे काम? देखिए जैसे सड़क पे काम किया है इन्होंने, और ज़्यादा करके मतलब विदेश नीति को स्ट्रॉन्ग किया है इन्होंने, रोजगार पे थोड़ा सा भी काम चल रही है इनका। रोजगार पे तो जनता के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ, रोजगार में लोगों का यही कहना है कि जॉब नहीं है, कहाँ है जॉब? देखिए जॉब बेसिकली जॉब जो है ना वो सरकारी तरीके से गवर्नमेंट तरीके से लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें जॉब दे दे और ऐसा करे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से डेवलप होगी तो जॉब संभव है। किसी भी देश अदर भी देश में आप देखें तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ जब आती है और बेहतर तरीके से उनको फैसिलिटी मिलती है, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनियाँ कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको बेहतर फैसिलिटी अगर इनको देंगे तो ये अपना विस्तार करेंगे, फिर पब्लिक को जॉब मिलेगी। आज कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया, उसमें भी राहुल गांधी ने जॉब्स के लिए बात करी। अगर राहुल गांधी ने कहा कि हो सकता है कि हमारी जब सरकार आए तो हम जॉब्स के उन्होंने वादे किए, अच्छी बात है अगर उन्होंने कहा है तो, लेकिन वो जॉब किस तरीके से देंगे? या तो गवर्नमेंट जॉब दें, तो गवर्नमेंट जॉब कैसे? अगर मान लिया जाए किसी एक स्कूल में आपने एक टीचर को लगा दिया, अब वो जब तक के 60 ईयर का नहीं होगा वो हटेगा ही नहीं, तो एक्स्ट्रा टीचर डालेंगे क्या उसमें? कैसे मतलब कैसे जॉब देंगे? केजरीवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे जेल में? हाँ, केजरीवाल पे कहना चाहेंगे कि एक अच्छा शुरुआत किया था उन्होंने, धरना प्रदर्शन करके वो आगे बढ़े, लेकिन जिस प्रकार से उन पर लगी भ्रष्टाचार के और भी शराब, देखिए शराब, मैं एक युवा हूँ, आज तक मैं आपको बताऊँ मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ जिसकी आदत पड़े और उसके बिना रहा ना जाए, तो ऐसी कोई भी चीज़ आदत में ना लाई जाए, शराब उन्होंने एक पे एक फ्री कर दिया, तो ये चीज़ उनकी गलती, ऊपर से घोटाला और कर बैठे, तो थोड़ा सा अभी तक प्रूफ तो नहीं हुआ कि घोटाला किया। प्रूफ किसी का नहीं होता ना इतना जल्दी, ये तो जुडिशियरी सिस्टम है, ये तो आगे चलता रहेगा ये। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल जी जेल में हैं, अब आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार आए? मैं तो बीजेपी को ही चाहता हूँ। बीजेपी में क्या ऐसा क्या काम किया बीजेपी ने जो आप बीजेपी को ही चाहते हैं? बहुत सारा काम किया, ये सब देख रहे हो आप, सब बीजेपी का है। दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की है। तो क्या हुआ, अभी देश में बहुत कुछ हुआ है बीजेपी का। अरे क्या हुआ है यही तो पूछ रही हूँ, किन मुद्दों पे देना चाहते हैं बीजेपी को वोट? ऐसे ही बस बीजेपी ने काम किया भेड़चाल में? सबसे बड़ा मेरे लिए मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर के बेस पे आप वोट दे देंगे? चलिए इनके हिसाब से राम मंदिर के उस पे मुद्दों पे वोट दे देंगे बीजेपी को। आपके हिसाब से आप किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे काम करे देश हित में, बहुत सारे काम। सुनिएगा कि क्या क्या काम करे वो आपको बता रहे हैं। 370 हटाई है उसने, और वैसे भी इतिहास में नाम लिखा है, और भी काम करे हुए हैं बहुत सारे, फिर भी और भी होंगे। केजरीवाल पे क्या कहेंगे आप? केजरीवाल ने तो देखो खराब कर दिया दिल्ली और वैसे भी करी है, और कोई सड़क वड़क से लेके सारी चीज़ें खराब हुई हैं बाकी, और विकास रोक रखा है बाकी। अब बीजेपी आएगी तो देखो क्या होता है। बाहर किसको वोट दे रहे हैं आप? केजरीवाल को देंगे। क्यों देंगे? जिससे हमको फायदा हो उसी को देंगे, बिजली पानी फ्री। आप तो क्या वोट देंगे आप, वो तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सोमनाथ भारती खड़ा हो रहा है और साइरम पहलवान खड़ा हो रहा है, उसको देंगे वोट?
संजय सिंह की रिहाई पे आप क्या बोलेंगे? रिहाई तो नहीं कहूंगी, सॉरी, जमानत। जमानत हो गई है, ठीक है, तो केस चलता रहेगा। देखो केसों के बीजेपी वालों के ऊपर भी लगता है कि इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी को बाहर आने देंगे जेल से? कोशिश है, उम्मीद हो सकता है अभी जाए। वो तो केस के ऊपर है ना कि क्या है क्या केस, वो तो इंटरनली मैटर है, कुछ साबित तो कुछ कर नहीं पा रहे ये लोग। हाँ, मेरा कहने का मतलब प्रूफ नहीं दे पा। 377 हटाई है मोदी जी ने भी, काम कराया करा, उसका फायदा क्या? पूछो थे किसने प्लॉट खरीदा कश्मीर में जाके, किसी ने कुछ काम करा? आपके हिसाब से बीजेपी भी करप्टेड लोग हैं या नहीं? बताओ, 3 तलाक से मुस्लिम के वोट कहते हैं केजरीवाल को मिलते हैं, 3 तलाक से फायदा हुआ हिंदुओं का? बात करते नहीं है किसी चीज़ की, बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। भाई वो भगवान का नाम तो सारे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने अल्लाह का नाम लेते हैं, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है। मगर नेता लोग तो झगड़ा ही करवाते हैं, यही फैक्ट है। संजय सिंह जो बाहर आए उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संजय सिंह अब उनके आगे क्या क्या काम हो सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव का समय है, केजरीवाल जेल में है, उनके साथ मिलेगा संजय सिंह के आने के बाद? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है पूरी टूट चुकी है, हैं, जैसा इन्होंने करा है सबको अंदर डाल रहे हैं। अब आज मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, सकता है मुझे भी अंदर डाल दे पकड़ के, हैं, तो इसलिए हर आदमी डरा हुआ है। आधे लोग तो डर के मारे सामने नहीं आना चाह रहे। आप सुनीता केजरीवाल हो सकता है कि कह रहे हैं कि पद संभाले केजरीवाल जी? अब एक हाउस वाइफ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाउस वाइफ होती है, और जो मतलब एक आदमी है पढ़ा लिखा आदमी कमिश्नर रह चुका है उसका इनकम टैक्स का, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। 2024 का कौन सा अगला चेहरा चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? इनको छोड़ के कोई भी आ जाए, इनमें से जो इनकी गठबंधन है ना उसमें से कोई भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ। फिर भी आप एक नाम तो बताइए। भाई अब केजरीवाल जी इस लेवल के तो है नहीं, मैं तो क्लियर बोलूँगा। अब इसमें इन्होंने अखिलेश को आगे कर रखा है। राहुल गांधी लगते हैं आपको कांग्रेस? राहुल गांधी को लाने का कोई फायदा लग नहीं रहा, तो काफ़ी टाइम से उनको खींचा जा रहा है, तो लग नहीं रहा मजबूत आदमी है। मैं तो वही इसलिए साफ बोलने वाला आदमी हूँ कि अभी तक चली राहुल गांधी को आगे कर रखा है, तो वो बनता हुआ दिख नहीं रहा कभी भी। प्रियंका को कर दे उसकी जगह आगे। क्या चाह रहे हैं इस बार 2024 लोकसभा चुनाव है? हम तो मैडम चाह रहे हैं बहुत कुछ। क्या चाह रहे? सबसे पहले चाह रहे हैं कि मोदी जी को जेल में डालें, उसके बाद से योगी जी को डालें, उसके बाद से अमित शाह को डालें, जो हद से ज़्यादा देश में महंगाई करते जा रहे हैं, जाति धर्म का मामला बढ़ाते जा रहे हैं, और वो जनता से वोट मांग रहे हैं, तो बताइए कैसे उचित है कि किस कारण जनता उनको वोट दे दे? ये तो बताइए हमें किस कारण दे दें? आप पत्रकार हो, आप यूट्यूबर हो, आप एंकर हो, ये बताओ मैं कैसे उनको वोट दे दूँ? कोई तो रीज़न बताओ। यहाँ युवा का पेपर लीक कर दिया जाता है, महिला को सम्मान नहीं मिलता है, आखिर किस कारण हम मोदी जी को वोट दे दें? एक ड्राइवर के ऊपर इतना बड़ा कानून लागू कर देते हैं, हमारे सिख भाई को खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं, क्या इस कारण वोट दें हम मोदी जी को? इस कारण दें? नहीं नहीं, आप बताइए हमें। अब भी देश में इतनी महंगाई है, जानते हैं किसको फर्क पड़ता है? आपको मालूम है? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सरकार ने काम नहीं की है। बात सुनिए, देश में इतनी महंगाई है, किसको फर्क पड़ता है आपको मालूम है? किसको फर्क? अमीर को फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। गरीब को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो किसी से मांग के खा सकता है। आज के डेट में जैसा मोमेंट बना हुआ है, जैसा माहौल बना हुआ है, वो मीडियम क्लास के लोगों को फर्क पड़ रहा है। चलिए मोदी जी को नहीं तो किसकी सरकार? बिल्कुल गठबंधन की सरकार आएगी, चाहे उसमें कोई भी प्रधानमंत्री बने, सभी चेहरा उसमें बहुत ही बढ़िया चेहरा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। भैया किसकी सरकार? अब की चेंज होना चाहिए बस, जहाँ क्या अब की बात बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं इस बार? कोई बने बस, दूसरा कौन बने, किसका चेहरा? अब तो चेहरा क्या, जब बनना हो बन जाएगा। आप मोदी जी आएंगे, लगा लो जोर, जा तक का लगाया जाता हूँ। अच्छा, क्यों आएंगे मोदी जी, ये भी तो बताइए, क्या क्या काम करे? बहुत काम किया, कांग्रेस से ज्यादा ही किया है। अच्छा, 370 हटवा दी, जहाँ पर पत्थराव होता था वहाँ दुकान खोल के बैठे हैं लोग आज। ये भाई हंस रहा है ना, क्या काम करते हो तुम? हमारी खुद की दुकान है कॉस्मेटिक। रोजगार मिला तुम्हें? हमारी खुद की दुकान है, हमें रोजगार क्यों चाहिए? 7 लड़कों को हमने रोजगार दे रखा है अप्रेंटर में। काम धंधा सही चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारे हिसाब से महंगाई नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, जैसे महंगाई बढ़ी है आमदनी बढ़ी है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो कहते हैं ना रोजगार नहीं है, पौआ मार के घूमते हैं वो, रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार घर में आके नहीं देगा, कोई नौकर नहीं लग रहा है, उन्हें रोजगार देगा पौआ मार के घूमेंगे। इस बार दिल्ली में क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या सरकार बदलेगी? दिल्ली की तो पता नहीं, पर केजरीवाल जी जल्दी बाहर नहीं आते। नहीं आ पाएंगे क्यों? बहुत सारे घोटाले कर दिए ना। हो भी तो सकता है कि दूसरी विपक्ष पार्टी ने उनको फंसाने की कोशिश करी हो, ऐसा तो जनता कह रही है। शराब घोटाला, जल घोटाला, हाईवे घोटाला किसने किया है? फिर कोर्ट ने उन्हें जेल क्यों भेज दिया और कुछ नहीं किया? अभी तक प्रूफ तो नहीं आया, फिर जेल क्यों भेज दिया? वो तो ईडी की वजह से ना, आप बताइए ना, प्रूफ तो अभी नहीं आया ना, ईडी भी प्रूफ नहीं दे पाई। पैसा रखोगे आप उतना ही ना निकालोगी? हाँ, तो
कहाँ दिखाया मनी, यही पूछ रही हूँ आपसे। ना वैसे कैसे चले आएगा अंदर, जब नहीं दिखाया तो कैसे गया अंदर? कुछ पड़ा, अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिखा पाए हैं। हमने मोहल्ला गिल्ली, तभी संजय सिंह भी जमानत पे वापस आए हैं बाहर। तो अब वो क्यों अंदर? मैडम वो अकेला आया, वो दो को लेके जाएगा ना। अच्छा, हाँ वो एक आया, दो को लेके जाएगा अब। सबसे अब और कार्यकर्ता अंदर जाएंगे? हाँ दो जाएंगे, आपको पता भी, एक तो सौरभ भारद्वाज और दूसरी आती सी, अकेला आया, दो को लेके जाएगा। आप तो कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल बैठ सकती हैं पद पे सीएम के। मैंने सुनीता केजरीवाल का नाम नहीं लिया ये आपका। मैंने आपसे क्वेश्चन किया। तो मैं कह रहा हूँ मेरे को दिल्ली कन्फर्म नहीं है कौन बैठेगा, लेकिन केजरीवाल जी नहीं आते। चलिए ठीक है, 2024 में किसकी सरकार चाहते? केजरीवाल बढ़िया काम करे, केजरीवाल को आना चाहिए, मोदी जी को आने की जरूरत नहीं है। मोदी जी सा आदमी इंडिया में इतना नमक हराम मिलेगा ही नहीं। अच्छा। देश के लिए कुछ नहीं किया उसने। अच्छा। समझ रही है उन बात ने? क्या कह रहे हैं इन्होंने? कुछ आपको वैक्सीन लगवा दी, आपको वैक्सीन लगवा दी फ्री में। हाँ उसके बाप के फ्री में, फ्री में वैक्सीन मोदी जी ने लगवाई, वैक्सीन इस्तेमाल कर लिया आपने। अब कह रहे हो कि मोदी जी, मोदी जी ने लगवाई थी वैक्सीन, हमारे पैसे हम देते, मोदी जी लगवा रहे हैं, हम हमारे पैसे से मजे कर रहे हैं वहाँ, आपको पता नहीं है क्या? अबे तो वो गोल्डमिन का मालिक है, जिंदाबाद देश का राजा है वो मजे नहीं लेगा, तू लेगा? वो देश का राजा है, वो मजे नहीं लेगा। राजा लोकतंत्र है, राजा राजा नहीं चलता है, आपको पता होना चाहिए। क्या राजा का राजा वाला सिस्टम हट गया यहाँ से? सारा विपक्ष चोर है, सारा चोर है। आपके हिसाब से कौन सारा चोर है? सारा विपक्ष। आपके हिसाब से बीजेपी? सारे ठगबंधन इकट्ठे हो रखे हैं अभी। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। मेरी बात कहाँ पड़ेगा? चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम। ठीक है, नारे लगाएंगे, नारे जवाब। चलिए चलिए यार, नारे नगले लग गए हैं। अगर केजरीवाल आपकी तरफ आ जाएगा तो वो तोड़ नहीं होगा कि आपने कितने लोगों को लेके आगे ईडी ने आपको भेज दिया? बात कर रहे हो, आपका कहने का मतलब केजरीवाल ने क्या कर दिया? केजरीवाल ने मुझे बताओ ना, कल लोकपाल बिल आया, यमुना जी साफ हुई। एक ही घर, मैंने एक पिया करता था, आधा पिया करता था, अब दो पीता हूँ, दो के बगैर काम नहीं चलता है। ये वो आप पी रहे ना? ठीक है ठीक है, सवाल, अरे जवाब ले लो, जवाब ले लो एक बारी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। और भी लोग से देखिए, यहाँ पे नारे लगने शुरू हो गए हैं मोदी के नाम के, जय श्री राम के। आप देख रहे हैं जनता के बीच में कैसी हलचल है मोदी सरकार को लेके। यहाँ के जो लोग हैं विपक्ष पार्टी के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा, ठीक है ठीक है, मोदी राजा है, ठीक है। फ्री दारू चाहिए इनको, फ्री बिजली चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या काम करते हो, क्या काम करते हो? मैं वो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अभी। कितने साल के हो? मैं 22 का हूँ। 22 साल के हो, पहला वोट है तुम्हारा? यस पहला वोट। किसकी सरकार, किसको वोट? मोदी सरकार। क्यों, किस मुद्दों पे? पहला बात तो राम मंदिर बनवा दिया, दूसरी बात वैक्सीन भी लगवा दी। आगे आप बताइए कि क्यों, किन मुद्दों पे आपने चुना बीजेपी? किन मुद्दों पे आप चुन रहे हैं बीजेपी को? उनके कार्य देखो। क्या क्या कार्य? नहीं कार्य देखो, हर बार हम तो महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र में बीजेपी की ही है सरकार। अच्छा। मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री 2024 में मोदी आएगा, कितना भी शोर कर लो आप। अच्छा। चलिए इनके हिसाब से मोदी आएंगे। चलिए और भी लोग, हम लोगों से हम जुड़ेंगे। इस बार 400 बार, इस बार 400 बार आपके हिसाब से? कहाँ रहते हैं सर आप? मॉरिशस में। मॉरिशस में, और आप क्या चाहते हैं इंडिया में किसका प्रधानमंत्री का जो चेहरा? मोदी, मोदी इज द बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। ओके, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी लोग जो हैं अभी यहाँ पे मोदी का ही चेहरा प्रधानमंत्री पे देखना चाह रहे हैं। चलिए अभी आगे और भी लोगों से जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे। क्या 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 चाह रहे हैं, किसको वोट देने जाएंगे? चाहते हैं परिवर्तन, क्योंकि क्या क्या चेंजेस चाहते हैं? ये है, बीजेपी को अब हम चाहते नहीं है, क्योंकि जितने लोग आप यहाँ देख रहे हो ना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो गरीब आदमी आज शाम को 5,000 रुपये का किसी 5 स्टार में जाके खाना खा ले। ये सारे पैदल आने वाले, कोई ऑटो से आने वाले, कोई 2-व्हीलर पर चलने वाले, रिक्शे में चलने वाले, ये ऐसे लोग हैं। अब इनको क्या है, इनको देखो GST लगा दिया हर सामान पे, ने जो पैदा हुआ बच्चा है ना वो भी आज भारत को कमा के दे रहा है। जो दूध की बोतल आती है तो GST चला जाता है, मोबाइल का हम बिल भरते हैं GST चला जाता है। आपके हिसाब से मेन मुद्दा ये है, महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा मैडम, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज, गुजरात में जितने दंगे हुए, आप गोधरा से लेके एक बात देखो, जो भी इनका कांड होता है ना उसमें 2-4 लोग बीच में मर जाते हैं। केजरीवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पहले गुजरात पर सुन, क्योंकि आदमी मर जाते हैं, वो उनकी जो जाँच पूरी नहीं हो पाती,
पूरी नहीं हो पाते। एक एक अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आए थे, 20 साल पुराने सारे केस उन्होंने डिसमिस कर दिए। उसमें देखो बिल्किस बानो का केस भी था, फिर तो उसको बाद में दोबारा रीओपन करा गया, उसको जेल भेजा गया। ये संस्कारी ब्राह्मण आ जाते हैं। अब जो जितने बलात्कारी हैं वो सारे बीजेपी में, चाहे सेंगर को ले लो। आपके हिसाब से विपक्ष पार्टी में तो भ्रष्टाचार अभी है ही है ना, लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी में भी, सरकार में भी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो दोनों में है, लेकिन उनका भ्रष्टाचार ऐसा उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी में थार उसने गाड़ी चढ़ा दी, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई है, जमानत हो जाती है। यहाँ पे केजरीवाल, अभी केजरीवाल के पास एक बयान आता है उनको जेल में डाल देते हैं। उनके ऊपर जो टीवी पे जो चल रहा है थार गाड़ी चला रहे, उसको कोई जेल में नहीं डालेगा। एक हफ्ते में जमानत हो जाएगी या एक महीने में जमानत हो जाएगी। ये सारा का सारा मैनिपुलेट कर रखा है, एजेंसियों को मतलब अपने काबू में करके लोग काम करा रहे हैं। हाँ जी मैम, किसको आप वोट देंगे इस बार? हम तो दिल्ली के नागरिक हैं, हम तो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। किसकी वोट? घूमने आए हुए हैं। घूमने आए हैं, क्या लगता है इस बारी प्रधानमंत्री 2024 का कौन? तो लगता है कि मोदी ही जीतेगी, हम तो मोदी वाले ही हैं। अच्छा, मोदी वाले ही हैं, ऐसे ही मोदी वाले। मोदी का चेहरा पसंद है या उनके काम भी कुछ पसंद आए? काम भी उनका किया हुआ पसंद है और खानदानी मोदी वाले है। अच्छा जी, जी लगते हैं मोदी जी आपके फिर? जो भी है मतलब खानदाने से शुरू से वोट देते आए भाजपा वाले, और भाजपा वाले काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। आपके क्षेत्र में अच्छे से काम हो? पूरा काम हो रहा है, भाजपा वाले एक नंबर काम कर रहे हैं। इनके हिसाब से 2024 में मोदी की सरकार होनी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। भैया नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, क्या चाहते हैं आप इस बार 2024 में चेंज? मैं सोच रहा हूँ, मेरा मतलब है कि राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री चले, क्योंकि पहली बार चांस उनको देना दिया। पहली उस बार जब 2013 की पहले की बात है, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया था, उसमें भी ऑप्शन उठाया था कि ये नागरिकता विदेश की नागरिकता है उनकी। इसलिए जो बहुत सारे वादे किए हैं वो राहुल गांधी जी ने, महिलाओं को लेकर भी किया, 1,00,000 रुपए देंगे, जॉब्स को लेकर भी, किसानों को लेकर भी, एजुकेशन के ऊपर भी, स्पोर्ट्स के ऊपर भी, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ वो पक्का है कि पक्की नौकरी है, मगर बीजेपी में पक्की बेरोजगारी है। आपके हिसाब से रोजगार नहीं मिला? दो पॉइंट है, दो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पक्की महंगाई, पक्की बेरोजगारी। आपके हिसाब से रोजगार नहीं मिला है? रोजगार नहीं मिला आपके, बीजेपी की होगी अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो पक्की नौकरी मिलेगी और महंगाई भी कम होगी। प्रधानमंत्री का चेहरा किसका? राहुल गांधी चांसेस है, क्योंकि 50% तो आपके यहाँ के। आप कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे MP का, मध्य प्रदेश का हूँ। ठीक है ठीक है, इनके हिसाब से कांग्रेस की सरकार। चलिए, इनसे मैंने सवाल ले लिया है, और भी लोगों से जुड़ूंगी मैं, और भी लोगों से जवाब बातचीत करूंगी। I'm 18, so I can give my votes this year. इस बार किसको दे रही हूँ? पहला वोट है, उत्सुक होगी। मैं देखो उत्सुक भी हूँ, बट मेरे को, मैं आज की युवा से ये कहना चाहूँगी, सोच समझ के अपना वोट दें। योर वोट रियली वेरी मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली, तो आप किसको वोट दे रही? आप, मैं कहूँगी, मैं किसी पार्टी की बात करूँ ना करूँ, मैं ये कहूँगी आप स्टेटेड, आप पहले और अब में डिफरेंस देखें, आप कई चीज़ों में कंपैरिजन करें, यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस। एंड आई वुड से कि पहले और आज के भारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाहर देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बिफोर इंडियंस वर ट्रीटेड लाइक कि ओके व्हाटएवर दे आर, बट नाउ दे आर लाइक ओके यू आर फ्रॉम इंडिया, यू विल गेट रिस्पेक्टेड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। 2024 में प्रधानमंत्री का किसका चेहरा देखना? एक्चुअली आई वुड से एज अ प्रधानमंत्री आई वुड से कि मोदी जी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, एंड आई थिंक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है युवाओं के लिए। ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग द वे ही वर्क्स वेरी हार्ड एट दिस एज, ही रियली इंस्पायर्स फॉर मी। ही इज़ लाइक कि ओके ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एट दिस। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन केजरीवाल? आई वुड से एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो अ केजरीवाल सपोर्टर बैक देन। आई यूज टू फील ही इज़ अ वेरी गुड मैन। आई थिंक स्टार्टिंग ही वॉज वेरी गुड, बट जितना वो पॉलिटिक्स में साल निकले, वो जो जिस डायरेक्शन से ही हैव स्टार्टेड ना, अगर उन्होंने राइट से स्टार्ट किया ना, वो बिल्कुल लेफ्ट चले गए। व्हाट डू यू थिंक, जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इलेक्शन से पहले? देखो अगर प्रूफ वैलिड है तभी तो, ईडी तो प्रूफ नहीं दे पाई है, राइट? तो क्या लगता है उससे पहले दे पाएगी? 15 को सुनवाई है उनकी, 15 अप्रैल को।
इट्स नॉट इन माई हैंड्स। मैं किसी के एकदम खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये कहूँगी आप वोट दे रहे हो, आप रिसर्च कर लो क्या हुआ है पहले, क्या डेवलपमेंट्स पहले हुई थी, अब हुई है, इंडिया की रिस्पेक्ट देख लो। आप ये समझ के देना एक सुलझा हुआ व्यक्ति हो। आपके हिसाब से विकास हुआ है मोदी सरकार में? मैं दिल्ली से बाहर गई हूँ, मेरे रिलेटिव्स बाहर गए हैं इंडिया से, जो मुझे सुनने को मिला है बाहर, इंडिया के बाहर, और जो मेरे को जब मैं दिल्ली से बाहर जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, आई वुड से एनीवेयर, आई हैव सीन कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडिया में। आई थिंक दिल्ली में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं किसी सरकार को ना गलत नहीं बोलूँगी, मैं केजरीवाल जी को भी गलत नहीं बोलूँगी, बट मैं कहूँगी कि ओके ही स्टार्टेड वेरी गुड। आई थिंक वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 2024 में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं? आई थिंक देयर आर अ लॉट, आई वुड से। बात करें रोजगार की तो रोजगार नहीं मिला, रोजगार का ना कोई सोल्यूशन, रोजगार का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप जॉब दे दो। आप एक बात बताओ, पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी, यहाँ 25 नौकरी होती हैं और पॉपुलेशन 40 हो गई, मैं इस एग्जांपल ले रही हूँ, तो फिर बताओ आप, हमने 5 साल में 20 नौकरियाँ बढ़ाई और पॉपुलेशन 30 गुना बढ़ गई, 20 गुना नौकरी बढ़ाई हमने, तो देर इज़ नो सोल्यूशन। बात सोल्यूशन ये है कि आप पढ़ो अच्छे से, एजुकेशन पे ध्यान होना चाहिए। मैंने जो सुना है दिल्ली स्कूल्स में, जो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, एक्चुअली मेरे रिलेटिव में बहुत सारे लोग हैं, मतलब आई थिंक मेरे जान पहचान में काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे भी जाते हैं, तो मुझे बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, जो वहाँ पे सीट्स हैं, साफ़ सफाई, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, टीचर्स की सैलरीज भी बढ़ी है, सब हुआ है। बट जो मैंने सुना है, मैंने देखा है और जो मैं रोज़ देखती हूँ कि बच्चों को टीचर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, टीचर्स की सैलरीज तो बढ़ा दी पर टीचर्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट प्रेशर नहीं कि आपको बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे का रिजल्ट लाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर ही सिस्टम में गलत हो रही है, ये दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट का बच्चा रिजल्ट लेके आता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं अंदर मार्क्स सुन के। आप, मैं आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग अबाउट इट। कहाँ के नागरिक हैं? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, अच्छा बताइए उत्तराखंड से इस बारी क्या चाह रहे 2024 में, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? मोदी मैम। मोदी मैम, विकास को जैसे अभी ये आप जिनसे बात कर रहे थे अभी, तो आपने डेवलपमेंट की बात करी, तो बेसिकली जिस जगह से हम हैं तो हमारे थोड़ी सी दूर में जो है चाइना बॉर्डर जो है स्टार्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो पहले जिस जगह मैं रहता हूँ, टनकपुर से लेके चंपावत में पहुँचने में एक समय की बात थी, 1970s की बात अगर हम करें तो सिंगल रूट था, 4 से 5 घंटा आराम से आपको उस वे में लगता था। और अगर हम 2014 से पहले की भी बात करें तो उसमें भी क्या कहते हैं आपका सिचुएशन यही थी कि 3 घंटा आपको जो है मिनिमम हमारे यहाँ तक पहुँचने को पड़ेगा। तो 3 घंटा अगर आप मेरे यहाँ पहुँच रहे हैं तो चाइना तक पहुँचने को तो आपको 15-20 घंटे आपके कहीं नहीं गए। तो सबसे पहला विकास जो उत्तराखंड के लिए हुआ है वो है ऑल वेदर रोड। ठीक है, आप रोड का जो जाल देखेंगे हमारे उत्तराखंड में तो इतना अच्छा रोड का जाल जो है मोदी गवर्नमेंट ने हमको दिया है। तो सबसे पहला डेवलपमेंट का रीज़न तो रोड ही है, जहाँ रोड नहीं है तो वहाँ विकास हो ही नहीं सकता। सबसे पहला विकास हमको उनने रोड दी है, हमको रोज़गार मिल रहा है वहाँ उत्तराखंड की, आप जैसे वहाँ आपको रोज़गार मिल रहा है उत्तराखंड में जो है, जो बेसिकली उत्तराखंड अपनी क्रॉप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्रॉप्स आप देखेंगे कि आज की डेट में उत्तराखंड से ज़्यादा डिमांड हमारे यहाँ मड़वा होता है एक, उसको जो है बेसिकली उसकी उत्तराखंड से ज़्यादा डिमांड जो है आपकी दिल्ली में है, आपकी दिल्ली क्या चंडीगढ़ में। मैं खुद जो है अपने यहाँ से चंडीगढ़ वो चीज़ सप्लाई वगैरह मैं करता हूँ क्योंकि उनकी जो है डिमांड बढ़ी है। तो एक तरह से ये भी देखा जाए तो हमारा डेवलपमेंट ही है, रोज़गार हमको मिल रहा है। जब हम बोएंगे उस चीज़ को, हम उसको बेचेंगे तो कॉमन सी बात है कि रोज़गार ये है। महंगाई पे आप क्या कहें? मैम महंगाई का तो ऐसा है ना साहब, बात मैं आपको ये बताऊँ ना, मैंने कहीं एक मैम थी उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, जो घर जो है 10 लाख रुपए का मिल रहा है आज की डेट में वो 30 लाख रुपए का है, जो ज़मीन आप 1 लाख रुपए में खरीद रहे थे उस ज़मीन की कीमत 10 लाख है। अब जब हर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई के ऊपर मेरा कुछ ऐसा मानना नहीं है, नॉर्मल है। अगर एक जगह से हम देखें, पहला वोट है आपका? हाँ, मेरा फर्स्ट वोट होगा, मेरा फर्स्ट वोट है और मेरा वोट मोदी जी को जाएगा। मैं अपना जी। ठीक है, आप दिल्ली की रहने वाली हैं? जी नहीं, गाजियाबाद की रहने वाली। गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद की रहने वाली, यानी कि यूपी की। हाँ जी। ठीक है, इस बारी किसको वोट दे रही हैं? हम मोदी जी को ही देंगे। क्यों,
क्या क्या मुद्दे पे मोदी जी को वोट दे रही हैं? बस मोदी को ही देते आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना वो किया है। क्या किया है? हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? मोदी को ही तो वोट देंगे ना। क्या किया है आपके लिए? या मोदी का चेहरा पसंद है इसलिए? नहीं नहीं, मोदी सनातन का शेर है, असली योद्धा है मोदी, सनातन का, सनातन का उदय हुआ है। ठीक है, हिंदुत्व को एक ताकत मिली है, अब से पहले कुछ भी नहीं था, अब लोगों का विश्वास बन रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, हमारे लिए यही काफ़ी है। सही बात, बिल्कुल, और ईश्वर की कृपा है, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल मिलता है इंसान को। हाँ जी मैम, इस बार 2024 में किसको वोट दे रही है? मैम जो कार्य करेगा, जो कौन कर रहा है कार्य आपके हिसाब से? मोदी जी। मोदी जी, और क्या क्या आगे चेंजेस चाहती हैं आने वाले सालों में आप? हम यही चाहते हैं कि मोदी जी जीत के आए और हमें ऐसी फैसिलिटी दे जैसे अभी तक दे रहे हैं हमें, जैसे हमें गरीबों की तनख्वाह इतनी नहीं है कि कहाँ से आए, दो दो महीने में हमारी सैलरी आ रही है तो कहाँ से खाएं, तो हमें तो कम से कम खाने के लिए तो राशन मिल जा रहा है। अभी तो सरकार उन्हीं की है। हाँ जी, हमें अभी मिल रहा है उनके राज में। आप कह रही हैं कि तनख्वाह लेट आ रही है? तनख्वाह हम दिल्ली में जॉब कर रहे थे, वो तो दिल्ली गवर्नमेंट में है। अच्छा, आपके हिसाब से केजरीवाल जी यहाँ काम नहीं करे क्योंकि आप दिल्ली की नागरिक? नहीं, अभी दो चार महीने से यही प्रॉब्लम आई है, ये अक्टूबर नवंबर से। चलिए, आपने देखा कि जनता ने अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे, सबका कहना अलग अलग है, कोई मोदी की सरकार, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, लेकिन देखना तो ये होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन। और देखिए, मैं आपको किस्सा कुर्सी के जरिए आपको हर रोज़ नई लोकेशन से आपको जनता का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं 2024 के और जनता ही चुनती है कि अब किसकी सरकार आएगी। जनता सब जानती है क्या माहौल था आज जनता का, वो भी मैंने आपको दिखाया और लोगों की राय भी सुनी। और ऐसे ही मैं रोज़ आपको किस्सा कुर्सी भी सुनाती रहूँगी अलग अलग लोकेशन से कि जनता क्या चाहती है, क्या मूड है जनता का, इस बार 2024 में किसको चुनेगी जनता। और बाकी की आप तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।